ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। वाह, आधा कप के करीब हम पानी डालेंगे सारे कोफ्ते, यहाँ से ये घुमा देंगे। ये देखिए एक भी कोफ्ता नहीं टूटा है। इसी पॉइंट पर हम ये आलू डाल देंगे। आलू भी गल चुके हैं, बढ़िया। ये देखिए शानदार से कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये बहुत जायकेदार बने हैं और ग्रेवी बहुत स्मूथ बनी है। तो बनाएं हमारे तरीके से। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मई रानी का जायका। आज हम कोफ्ते बनाएंगे और कोफ्ते की रेसिपी आपको परफेक्ट तरीके से देंगे, जिससे कि आपके कोफ्ते फटे नहीं और बहुत इजीली। जो नए बनाने वाले हैं, नया नया कुकिंग शुरू करा है जिन्होंने, तो वो भी इसे इजीली बना सकते हैं और फटाफट बनने वाले हैं। तो उसके लिए ये एक किलो हमने कीमा लिया है, ये मशीन का कीमा है, तो इसी तरह का लेना है और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसी नेट में रख दें और अच्छी तरह दबा दबा के इसका पानी निकाल दें, तभी इसके कोफ्ते फटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्सी का जार ले लिया है हमने, इसमें ये हमने 3 टेबल स्पून, ये टेबल स्पून है जिसे सर्विंग स्पून भी कहते हैं, तो ये 3 टेबल स्पून हमने भुने हुए चने ले लिए हैं। और ये देखिए इसमें छिलके भी हैं, कोई बात नहीं, इनसे और भी सॉफ्ट बनते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है सारे छिलके निकालें। तो ये हम इसमें डाल देंगे जार में। 1.5 टेबल स्पून ये खसखस लिए हैं, ये देखिए इसे पोस्ता दाना भी कहते हैं, ये भी 1.5 टेबल स्पून है, ये इसमें जाएगी। चने का और खसखस का एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने पाउडर बना लिया है चने का और खसखस का, ये इसमें निकाल लेंगे। फिर से हमने एक बड़ा जार ले लिया है, ये इसमें कीमा डाल देंगे। ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया था, आप ये डालेंगे तो आपके कोफ्ते लाजवाब टेस्ट के बनेंगे, आप ज़रूर डालें। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इसको। हमने एक प्याज ले लिया है, इसको रफली इस तरह से कट कर लिया है, और ये हरी मिर्च, ये 3 हरी मिर्च हैं, तो इसमें से थोड़ी सी प्याज। ये कीमा हमारा 3 बार में चर्न होगा, यानी कि 3 बार में पिसेगा, तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो ये इसमें डाल देंगे। और ये कुछ हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून से कम है, लहसुन अदरक पेस्ट, लेट कवर कर देंगे और इसको अच्छा सा पीस लेंगे। ये देखिए कितना ही अच्छी तरह से ये पिस चुका है, इसमें हरी मिर्च प्याज दोनों आराम से इसमें ही मिक्स हो गए हैं। अब आपको अलग से प्याज कट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हरी मिर्च। एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए लास्ट ये हमारा कीमा पिस रहा है, क्योंकि हमारा 1 kg था तो मैंने 3 बार में पीसा है, तो ये थोड़ा सा बच गया है। इसमें मैंने हरी मिर्च और ये प्याज डाल दी है, ब्राउन प्याज और लहसुन अदरक हम दोनों में डाल चुके हैं 2 बार, तो ये हम चना पाउडर है ये इसमें डालेंगे, सारा डाल देंगे। 1 teaspoon गरम मसाला है, ये इसमें जाएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। 1/4 teaspoon हल्दी, ये जाएगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये जाएगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें मिर्च को। ये 1 teaspoon धनिया है, 1 teaspoon से भी कम है थोड़ा, ये इसमें जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट देता है। ये नमक 1 teaspoon, ये इसमें जाएगा, इसको भी बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे, इसे भी इसी में निकाल लेंगे और इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से 5 मिनट तक मिक्स करना है। ये जितना अच्छा मिक्स होगा इतने ही अच्छे कोफ्ते बनेंगे हमारे और फटने के भी नहीं हैं। ये देखिए पानी से हमने अपने हाथ को ग्रीस कर लिया है, ये थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, आपको जितने बड़े बनाने हैं आप बनाइए, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से दबा दबा के, हमें तो प्रैक्टिस है, आप आराम आराम से करते हैं तो आराम आराम से करें, दबा दबा के, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं दबाना है। ठीक, ये देखिए इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर दिए हैं, ये हमारे इसमें कम से कम 25 बने हैं। अब हम इनको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये सेट हो जाएंगे, फिर ये टूटने के नहीं है। आप भी ऐसा ही करा करें,
जब भी आप कोफ्ते बनाएं थोड़ी सी देर के लिए आधा एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें अगर आपके पास टाइम है तो। आइए कोफ्तों के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं स्मूथ सा। तो हमने दो प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की, इन्हें कट कर लिया है। 2 इंच अदरक का पीस ले लिया है, 10-15 ये लहसुन के क्लोव यानी कि जवे ले लिए हैं, इनको भी इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे अदरक को। एक जार ले लेंगे, लहसुन अदरक प्याज इसमें डाल देंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक प्याज का हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे तो इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। ये 2 टीस्पून हमने धनिया ले लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है और 1/2 टीस्पून ये हमने रेड चिली तीखी वाली ले ली हैं और ये 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली है। ये कलर के लिए है, हम कम खाते हैं मिर्चें तो हम कम डालेंगे, इसी में डाल देंगे। बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं आप, और ये बिल्कुल देसी स्टाइल है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, लाते हैं स्मूथ सा पेस्ट बनाकर। ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने पाउडर मसाले डाले हैं वो सब इसमें फूल करके बहुत अच्छा मसाला तैयार होता है, तो इसी तरह करें आप। ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। गैस पर एक बर्तन रख दिया है हमने, ये रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं हम 1, 2 ये 3 सर्विंग स्पून भर के हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, गर्म होने देते हैं। हमने पहले भी बताया है कि करें प्याज को तो उसको ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए, उसमें मिठास आ जाती है। 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए प्याज गोल्डन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। ये हमने 1 इंच पीस अदरक का ले लिया है, इस तरह इसको बारीक बारीक कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 4 तेज पत्ता ले लिए, ये इसमें जाएगा। 1 सिनेमन स्टिक का पीस है 2 इंच का, ये जाएगा। और ये 6 हरी इलायची हैं, ये जाएंगी। बस इसमें ज़्यादा गर्म मसाला नहीं जाएगा। और ये हमने पेस्ट बना के रखा था, इसमें ही सब कुछ लहसुन अदरक प्याज और सारे पाउडर मसाले हैं, ये डाल देंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे मसालों को चर्न करके तो बहुत अच्छी बहुत स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। थोड़ा पानी डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पर, 6-7 मिनट लगेंगे मसाला तैयार होने में। ये हमने 200 ग्राम दही ली है, एक जार में डाल देंगे। ये प्याज फ्राई की हुई, ये भी इसी में डाल देंगे और इसको भी चर्न कर लेंगे यानी कि पीस लेंगे। दही और प्याज का भी पेस्ट बना लिया है हमने, चेक कर लेते हैं। बस भुनने ही वाला है मसाला, कितनी शानदार लुकिंग आ रही है मसाले की। हल्का सा ऐसे कवर कर देंगे, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। वाह, इसमें 1/2 कप के करीब हम पानी डालेंगे, बॉईल आने देते हैं। ये हमने कोफ्ते फ्रीज़र में रख दिए थे, उसमें से निकाल लिए हैं ये हमने 15 मिनट पहले, तो डाल देंगे सारे कोफ्ते। इस तरह से कोफ्तों पे मसाला डाल दें। अब इनको 5 मिनट तक हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। इधर हमने आलूओं को छीलकर तैयार कर लिया है, हमने बड़े बड़े आलू लिए हैं। ये हमने 4 आलू लिए थे, 4 में से इस तरह हमने बीच में से ये पीस कर लिए हैं, ये भी कोफ्ते के साथ जाएंगे। अगर कोफ्तों को हम हिला देते हैं, स्पून से चला देते हैं, तो ये फटने का डर रहता है। तो इनका चलाने का तरीका ये है, इस तरह से हम पकड़ेंगे भगोने को और इस तरह से ये घुमा देंगे। और ये प्रोसीजर भी हमें 3-4 मिनट बाद करना है, जब हम मसाले में कोफ्ते डालते हैं 3-4 मिनट बाद इसको हिलाएं और चला देंगे इसी तरह से। आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। कोफ्तों को भुनने में 5 मिनट और लगेंगे। कोफ्तों को 5 मिनट हो गए भुनते हुए,
इन्हें कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम ही रखनी है। जब आप कोफ्ते डालें तो हाई फ्लेम से मीडियम कर लें, तब अपने कोफ्ते डालें और मीडियम फ्लेम पर ही ये भुनेंगे। चेक कर लेते हैं कोफ्तों को, अब हम इन्हें चला देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। ये देखिए एक भी कोफ्ता नहीं टूटा है। आप इसी तरह बनाएंगे तो आपके एक कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये दही प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार करा है, फ्लेम को स्लो करेंगे और ये भी इसी में डाल देंगे। कोफ्तों में नमक नहीं डाला है, चलाते रहेंगे। बहुत ही हल्के सॉफ्ट हाथों से हम इनको चलाएंगे। फ्लेम हमारी स्लो है। ये देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी तैयार हो रही है हमारी। फ्लेम को थोड़ी सी हाई करेंगे यानी मीडियम। आलू कोफ्ते का हम बिल्कुल देसी स्टाइल बता रहे हैं। हमारे यहाँ शुरू से इस तरह बनते हैं। पहले सिल पत्थर होते थे, उन पे मसाला तैयार करते थे। इसी तरह लहसुन अदरक प्याज और नमक मिर्च धनिया। तो हमने ये मिक्सी में करा है, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा इस तरह से। इसी पॉइंट पर हम ये आलू डाल देंगे क्योंकि अब हमारे कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ये भी मसाले के साथ भुन जाएंगे, चलाएंगे। आलू हमने कोफ्तों में डाल दिए हैं, ये भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अब फ्लेम को हाई करते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं। कोफ्तों को भुनने में 6-7 मिनट लग सकते हैं। ये 1.5 टीस्पून नमक है ये इसमें डाल देंगे, चला देंगे। ये देखिए कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। शानदार लुकिंग देखिए, कितने खूबसूरत। 1 मिनट और भूनेंगे। देखिए ये कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। मसाला भी दिखा देते हैं, ये देखिए परफेक्ट। अब ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। 1 बड़ा गिलास पानी लिया है, चेक करेंगे। आलू गले नहीं हैं तो आलू को भी गलाना है। कवर कर देंगे, आलू के गलने तक पका लेंगे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। आलू भी चेक कर लेते हैं, आलू भी गल चुके हैं। ये गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाला है गरम, और ये थोड़ा सा इसमें हरा धनिया। वाह, शानदार से आलू कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे।